आज आपको बता दें कि जंतर मंतर पर संकल्प यात्रा यहाँ पे खत्म हुई। मकसद साफ तौर से ये था, जो बीते दिनों धमकियां मिल रही हैं और इसके साथ ही जो सरकलम जो गैंग है वो जिस तरीके से सक्रिय हुआ है, ऐसे में किस तरीके से इनकी गतिविधियों को रोका जाए, और एक आक्रोश आज साफ तौर से यहाँ पे लोगों ने जाहिर किया। सनातनियों ने सड़क पर उतरकर संकल्प ले लिया है, जिहाद नहीं चलेगा, ये देश शरीयत से नहीं चलेगा, कानून से चलेगा, अब जिहादी सोच का द एंड होगा, कोई डरने वाला नहीं, उनके गला रहते जाएंगे, अब धमकी देने वालों को करारा जवाब मिलेगा, उसको छोड़ेंगे नहीं, अब गला काटने वालों के खंजर तोड़ दिए जाएंगे। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर कैसे कैसे ये पूरा मार्च शुरू हुआ और हिंदुओं के भीतर आखिर इतना आक्रोश क्यों था, क्या तस्वीरें थी, मेरे सहयोगी शिवम की इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। अपने हक के लिए और न्यायपालिका को भी जो है इस बात का संदेश दिया जा रहा है। हिंदू समाज ने आज अपनी ताकत दिखा दी है सड़कों पर, कि कमजोर ना समझे हिंदू समाज, हिंदू समाज आगे आ। न्यायपालिका को भी एक संदेश दिया गया है कि वो अपनी मर्यादा में रहें, लक्ष्मण रेखा ना लागे, क्योंकि वो राजनीति कर रहे हैं या न्याय कर रहे हैं ये नहीं समझ में आती कि उनको पॉलिटिक्स जो है पार्टी बना लेनी चाहिए, उन्हें जज नहीं होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का। महिलाएं भी इसमें शामिल हुई हैं, आज आप क्या कहेंगे? बहुत महिला मैडम, हम हिंदू अब जाग चुके हैं, कोई अन्याय हम नहीं सहने वाले और हम उनको दिखा देंगे कि हम किस तरह तुम पर भारी पड़ने वाले। चलिए तो हिंदू अब जाग चुके हैं, तमाम हिंदुवादी जो संगठन है आज वो सड़कों पर उतरा और साफ तौर से ये कहा कि जो ये धमकियां दी जा रही हैं और जो ये गैंग सक्रिय हुआ है वो अपनी चीजों को खत्म कर दे, बंद कर दे, क्योंकि अब हिंदू चुप नहीं बैठने वाला, एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा इनका भी कहना था। तो कुल मिलाकर आज आपको बता दें दिल्ली में आज संकल्प मार्च के जरिए यही संदेश दिया गया कि देश संविधान से चलेगा, जिहादियों से नहीं। क्या आप साफ तौर पर आप लोग किस तरीके से लोग यहाँ पर उमड़े हैं, कहीं ना कहीं कृष्ण भगवान की झूले लाल जी की कलाकृति में तमाम संगठन है, लगभग 100 से ज्यादा संगठन है जो इकट्ठे हुए हैं। न सिर्फ भगवानों की जिस तरीके से आपत्तिजनक उनके ऊपर फोटो की जा रही हैं, लीला फिल्म आई उसके भी खिलाफ विरोध है। यहाँ पर जो लोग इकट्ठे हुए उनका साफ तौर पर कहना है कि जानबूझकर हमारे समाज को टारगेट किया जा रहा है, भारत में एक माहौल बनाया जा रहा है और उसके जरिए हिंदू समाज को दबाव में लेने की बड़ी कोशिश है जिस तरीके से। लेकिन ये युवा मोर्चा बीजेपी के लोग हैं यहाँ पर शामिल हुए, न सिर्फ बीजेपी युवा मोर्चा बल्कि तमाम संगठन है, उनका प्रोटेस्ट यहाँ पर जारी है। हालांकि दिल्ली पुलिस की आप बात करें, अर्धसैनिक बलों की बात करें, उनकी भी तैनाती यहाँ पर की गई है, स्वयं आला अधिकारी ग्राउंड जीरो पर उतरे हुए हैं, चूंकि राजधानी है यहाँ सुरक्षा व्यवस्था का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप इस साइड देखेंगे तो आपको अर्धसैनिक बल एकदम मुस्तैद नजर आएंगे, उनके हाथों में एयर गन होगी, आंसू गैस के गोले हैं, ताकि अगर स्थिति किसी भी कंडीशन में बिगड़ती है तो उसको संभाल लिया जाए। पूरा जो मंडी हाउस का एरिया है सुरक्षा बलों ने इसको घेर रखा है, रैपिड एक्शन फोर्स भी यहाँ पर तैनात की। और इस वक्त हिंदू जो संगठन जंतर मंतर पर अपने मार्च के लिए पहुंचे थे, आप देखिए 80,000 गाड़ियां यहां पहुंची थी, जो पूरा मंजर है जंतर मंतर का वो इस समय आपको भगवा में नजर आएगा, क्योंकि पूरे हिंदूवादी संगठनों ने आज ये दिखा दिया है दिल्ली में कि अब यहां पर संविधान का कानून चलेगा। एक तरफ राजस्थान में मर्डर होते हैं, एक तरफ महाराष्ट्र में मर्डर होते हैं, उसके खिलाफ ऐसी गाड़ियों में महिलाएं पुरुष तमाम लोग पहुंचे हैं, साधु संत पहुंचे हैं, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर पहुंचे हैं, जिनका सीधा एक संदेश है कि अब इस देश में कट्टरपंथ नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी बात कि इस वक्त को आप अगर मेरे आसपास भी देखेंगे गाड़ियों के चारों तरफ तो आपको सिर्फ और सिर्फ लोग नजर आएंगे, जो लोग इनका साफ तौर पर कहना है कि इस देश में चाहे कोई भी हो उनकी कानून नहीं चलेगा, गला रेतने की धमकियां नहीं चलेंगी, बात बात पर वीडियो जारी नहीं होंगे, ये एक मैसेज देने की कोशिश थी। और जिस तरीके से आज एक मैसेज दिया गया है, आप अगर मेरे चारों तरफ विजुअल दिखाऊं, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा तो ये गाड़ी के ऊपर मैं मौजूद हूँ, लेकिन आपको दृश्य सिर्फ और सिर्फ भगवा झंडों के, देश के झंडों के नजर आएंगे। ये वो महिलाएं हैं जो घर से आई हुई हैं, इनसे भी हम बात कर लेंगे। मैम कहाँ से आई हैं आप? मैं पटेल नगर से आई हूँ और आज जनसंघ का जो भी यहाँ पर चल रहा है धरना प्रदर्शन, आम हिंदुत्व को जगाने आए हैं,
जय श्री राम। तो देखिए, इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हम मैसेज देने की एक कोशिश कर रहे हैं कि अब इस देश में कानून चलेगा, इस देश में संविधान चलेगा, उन लोगों की जबरदस्ती नहीं चलेगी। उन सरकारों को भी जागना पड़ेगा जो सोई हुई हैं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स में खोई हुई हैं, उन लोगों को जागना पड़ेगा। ऐसा झंडा आप अगर मेरे पीछे देखिए किस तरीके से इस गाड़ी पर मैं मौजूद हूँ, और इसके जरिए एक बार मैं आपको विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से पूरा राजधानी दिल्ली का ये जो इलाका है वो हिंदूवादी संगठनों के लोगों के जरिए एक कहीं ना कहीं आज एक मैसेज दिया गया है कि अब सरकारों को, न्यायपालिका को एक्टिव होना पड़ेगा। इस देश में अब वो उनकी धमकियां, कानून शरिया लॉ को जो इम्पैक्ट करने की बात हो रही है वो नहीं चलेगी, सबके लिए सेम कानून रहेगा। अगर कन्हैया लाल उमेश कोले कोई पोस्ट शेयर करते हैं तो उनका मर्डर नहीं होगा। हालांकि दिल्ली पुलिस ने पूरा अरेंजमेंट किया था, अर्धसैनिक बल तैनात थे, लेकिन ऐसी सैकड़ों गाड़ियां यहां पहुंची, हजारों तादाद में लोग पहुंचे, महिला पुरुष बच्चे, और उन्होंने दिल्ली की राजधानी से कहीं ना कहीं एक संदेश दिया पूरे देश को कि यहां पर कोई भी संख्या विशेष धार्मिक बल के नाम पर अपना कानून नहीं चला सकता है। इस देश में संविधान के नाम पर ही काम होगा, उनके नाम पर ही सजा देगी न्यायपालिका। लोगों का यहां तक कहना है कि नुपुर शर्मा ने कोई कमेंट किया था तो उसके बाद उनको कोर्ट सजा देगा, लेकिन कोई ऐसा संभव नहीं है कि कोई गला रेत दे छोटी छोटी बातों पर। और उसके विरोध में आज पूरे दिल्ली के आसपास के लोग यहाँ उमड़े, हनुमान चालीसा हुई, ऐसे विजुअल शायद सालों में मैंने देखे होंगे अपनी पत्रकारिता में। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का कैंपेन नहीं था, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की रैली नहीं थी, ये थी तो एक हिंदूवादी संगठनों की एक सोच कि हमें उठ खड़ा होकर दिखाना पड़ेगा न सिर्फ देश के लोगों को बल्कि देश की जो पावर, जो शक्तियां हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको ये समझने की जरूरत है कि अब हिंदू सोया नहीं रहेगा। आप मेरे आगे देख रहे हैं ये लोग बैठे हुए चारों लोग अपना अपना काम छोड़कर अपनी गाड़ी लेकर गाड़ी को सजा आए हैं एक मैसेज देने के लिए उन हिंदुओं को जो इस देश में बैठे हुए हैं कि अब हम सोए नहीं है। उमेश कोले हो, कन्हैया लाल हो, इन लोगों को यह मैसेज देने की कोशिश है कि आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, हम उठ खड़े हुए हैं। ये सीपी का इलाका, और आप विजुअल के चारों तरफ देखिए कितनी भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ी है। ये लोग मैसेज देने आए थे, महिलाएं बच्चे पुरुष सब इसमें शामिल थे, और कहीं ना कहीं आज हनुमान चालीसा हुई, उसके जरिए एक मैसेज दिया गया कि इस देश में शरिया लॉ हो, इस देश में गला रेतने की बातें हो, इस देश में धार्मिक कट्टरता अब नहीं चलेगी, अब चलेगा तो इस देश में संविधान चलेगा। हम लोग जाग चुके हैं। मैं एक गुजारिश करूंगा, सर गाड़ी रोक दीजिए, मैं उतर जाऊंगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। और अब आपको ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जो कि कहीं ना कहीं ये जुड़ी हुई है संकल्प यात्रा से ही, और संकल्प यात्रा में जो दो तस्वीरें निकल करके सामने आती है, गौर कीजिएगा कि एक और आपको तस्वीर नजर आएगी जहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तस्वीर आपको विरोध प्रदर्शन करते हुए, विरोध जताते हुए लोगों की नजर आएगी, और किस तरीके से विरोध दोनों अलग अलग तस्वीरों में जताया जा रहा है, जरा ये तस्वीर देखिए। राम